फिर भी जानते हो यार, इंडिया है, मानती नहीं है ना। पारा गर्म हो गया, मैं वहां चला आया फिर। अरे भाई मैं गिर जाऊंगा यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पांडे व्लॉग्स। दो व्लॉग से नए ब्लॉग की शुरुआत रोड पे ही हो रही है। कई सारी जगह को मैं एक ही साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, एक ही दिन ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको कई सारे पार्ट्स में मैं ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ। पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था मंडोर गार्डन। इस वाले ब्लॉग में मैं मंडोर गार्डन से जा रहा हूँ कालियाना लेक, जो कि एक बहुत बड़ी झील है। वहाँ चल के मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कि कैसी वो झील है, किसने बनवाई थी और क्यों बनी थी। आप मेरे को यही मिलोगे ना? अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ कालियाना झील के पास। इसका एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर जाते हैं। ओहो, बड़ा टाइट है। तो यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है यार, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यार बोटिंग हो रही है। और देखो, पॉसिबल हो पाया तो बोटिंग भी यहाँ पे कर लेंगे। स्पीड बोट भी है, नॉर्मल बोट भी है, यहाँ से दिख रही है। बहुत मस्त नज़ारा है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ एक बार। छोटा सा गार्डन बना रखा है आने के लिए। यहाँ पे धूप तो इतनी है, आप बैठोगे तो मतलब जलोगे नहीं, आप भस्म हो जाओगे। ये पहाड़ी के बीच में से वो वहाँ से पानी आ रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ से पानी आ रहा है, कुछ लोग नहा रहे हैं वहाँ पे। बाकी ये जो लेक है, यहाँ पे गहरा होगा पानी मेरे हिसाब से। अभी चल के देखते हैं यार, वहाँ पे भी बोटिंग का सीन भी है और लोग नहा भी रहे हैं। मैं तो कपड़े उपड़े लाए नहीं यार, वैसे भी मैं नहाऊंगा नहीं यार, मैं सुबह नहा के आया हूँ। लेकिन यहाँ पे वार्निंग है, कालियाना झील में तैरना और नहाना सख्त मना है। फिर भी जानते हो यार, इंडिया है, मानती नहीं है ना। ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ पे, देख रहे हो एकदम। धूप की वजह से थोड़ा सा ना मौसम खराब सा लग रहा है, लेकिन अभी घूमने आए हैं यार, देख ही लेते हैं यार। धूप हो चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो, जिस मौसम में आए उस मौसम का ही मजा ले लेते हैं। वैसे यहाँ पे थोड़ा मानसून के टाइम पे आओगे या फिर थोड़ी सर्दी के टाइम पे आओगे तो बहुत ज़्यादा सही लगेगा मौसम। बाकी मैं तो यार देखो किसी भी मौसम में कहीं भी चला जाता हूँ यार, बस मेरी जान को खतरा नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो ऐसा कुछ है माहौल यहाँ पे। वहाँ पे अभी नीचे भी चल के देखते हैं, पहले एक दो फोटो खिंचा लेते हैं। तो कालियाना लेक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। ये बनवाया था 1872 में महाराजा प्रताप सिंह ने, और ये यहाँ के लोगों के लिए पानी का स्रोत है। कालियाना लेक का पानी हाथी कैनल से आता है और गांधी कैनल की तरफ ये डाइवर्ट हो जाता है। अभी वहाँ पे बोट राइड हो रही है, तो मैं अभी अपने कैमरे को रख देता हूँ और गोप्रो निकालता हूँ और फिर उससे आपको गजब गजब शॉट दिखाऊंगा। तो अभी ऐसा मन कर रहा है मेरा कि यार इतनी दूर आए हैं तो यार बोट राइड कर ही लेते हैं। चलते हैं अभी नीचे और देखते हैं क्या क्या चार्जेस है उसके और कितनी देर हमें बोट राइड कराएगा। और यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं यहाँ पे झील में, और यहाँ पे है हमारी बोट। यहाँ पे दो टाइप की बोट है, एक स्पीड बोट है, एक नॉर्मल बोट है। स्पीड बोट का 3 मिनट का 200 रुपए है, नॉर्मल बोट का 15 मिनट का 100 रुपए है। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि यार नॉर्मल वाली बोट पे चलते हैं 100 रुपए में, और उसके बाद ये जिप लाइनिंग भी करने का प्लान है। पहले इसको कवर करके आते हैं, फिर देखते हैं अभी जिप लाइनिंग करेंगे या नहीं करेंगे। अभी ये हमारी बोट आ गई है, ये सारे लोग उतर जाएंगे, फिर हम जाएंगे इसके अंदर। कलर ही अच्छा है। हाँ, कलर तो यही अच्छा है, पहन लो, जान बचानी, कोई सा भी कलर सही रहेगा। ये बोट में कोई नहीं है, सबसे पहले मैं ही बैठ रहा हूँ। हमने जैकेट पहन ली है, और कभी भी आप ऐसी बोट राइड वगैरह करो ना तो जैकेट जरूरी है यार, जान से बढ़ के कुछ नहीं है जिंदगी में, ये जान लो। ये सारे लोग जैकेट पहन के तैयार होके बैठ जाएंगे, फिर हम चलेंगे अपनी बोट राइड पे। नजारों को देख के यार, आप भी जब कभी कालियाना लेक आओ तो बोट राइड जरूर करना। स्पीड बोट राइड तो मैंने पहले उदयपुर में की हुई थी, तो इसलिए मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि वो 2-3 मिनट में ही जल्दी से करा के आपको फिर किनारे पे लाके पटक देगा। चलते हैं, अभी हमारा पानी वाला स्टेशन आने वाला है। ये इतने सारे लोग खड़े हैं बोट में बैठने के लिए,
हम उतरेंगे और ये बैठ जाएंगे। ले लेते हैं बैग, बैग रखने की अच्छी जगह मिल गई थी मुझे। अभी यार बहुत देर से मैं वहाँ पे लगा था जिप लाइनिंग की लाइन में, नंबर आ ही नहीं रहा था। जो मेरे बाद लोग आए उनको करा दिया यार, फिर मेरे को बोला यार और थोड़ी देर वेट कर लो, तो पारा गर्म हो गया, मैं वहाँ चला आया। फिर अभी हम यहाँ पे देखते हैं यार हॉर्स राइडिंग यहाँ पे करेंगे, ये भाई हमें कराएंगे। क्या नाम है आपका? राज। राज नाम है। और ये हमें यहाँ से कितनी दूर होगा झरना? वो झरना है आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर है, आधे किलोमीटर के ये 60 रुपए ले रहे हैं। और ये यहाँ पे ये कैमल राइड भी आप कर सकते हो, इसके कितने पैसे लगते हैं? इसके बच्चे के 50, बड़े के 100। अच्छा, बच्चे के 50 है, बड़े के 100 है। अभी हम हॉर्स राइडिंग करने वाले हैं जिंदगी में पहली बार। अरे भाई एक क्या पकड़ू मैं? कुछ नहीं है, पकड़ ला भाई। बहुत डर लग रहा है, जिंदगी में पहली बार घोड़े पे बैठ रहा हूँ मैं, बहुत डरावना एक्सपीरियंस होने वाला ये तो। भाई धीरे धीरे ले चल भाई, इसमें पकड़ने के लिए कुछ है नहीं, मैं गिर जाऊंगा। अरे भाई मैं गिर जाऊंगा यार, तेज मत ले चलियो, ऐसे पैदल पैदल चल भाई। ये पूरा हिल रहा भाई। अरे कुछ नहीं, बैठा ना, हम बैठा ना भाई, आप तो एक्सपीरियंस आदमी हो, मैं तो बहुत डर रहा हूँ भाई। लेकिन यार बहुत डर लग रहा है यार मेरे को तो। अच्छा शुरुआत में जब चल रहा था थोड़ा डर लग रहा था, अब थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है, लेकिन बस ये दौड़ने ना लगे, क्योंकि यार मैंने देखो कुछ पकड़ा नहीं हुआ है। अरे छोड़ तो कहीं नहीं गिरोगे, आराम से बैठो, कहीं नहीं गिरोगे। अच्छा भाई कोई भी यहाँ कायलाना लेक के पास आना, हॉर्स राइडिंग करनी हो ना, बस राज भाई को ढूंढना और कर लेना आराम से, 60-70 रुपये में आराम से करा देंगे बहुत बढ़िया से। और देखो अपने डर को काबू में तुम रख लेना, क्योंकि मेरा डर मेरा है, ये लोग तो एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने को तो फ़र्क पड़ रहा है, हम पहली बार जो बैठे हैं यहाँ पे। अब जाके समझ में आ रहा है पुराने ज़माने में राजा महाराजा कैसे चलते होंगे यार इस पे। और सोचो इतने धीरे धीरे चल रहा है तो मेरे को इतना डर लग रहा है यार, और पिक्चरों में और पहले के ज़माने में तो बहुत तेज दौड़ाते थे घोड़े को, तो मतलब बहुत एकदम अमेजिंग लग रहा है। ऊपर भी जाओ क्या? अच्छा, नहीं नहीं तुम चलो यार, झरने का वीडियो नहीं लेना मुझे। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, लोग नहा रहे नहर में। मजा तो आ रहा है भाई थोड़ा। एक चीज़ जान लो यार, जिंदगी में कभी ऐसा मत समझो कि एक चीज़ खराब हो गई तो सारी खराब होंगी। वहाँ पे हम जिप लाइनिंग के लिए इतनी देर से खड़े थे, वो नहीं हो पाई तो देख लो हमने दूसरा रास्ता खोज ही लिया अपने मन को बहलाने के लिए, वहाँ नहीं कर पाए तो ये नई चीज़ आज हमने कर ली। आप जब भी कायलाना लेक में आना, इमरान खान और ये राज भाई हैं, दोनों से आप कर सकते हो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग के लिए कॉन्टैक्ट। ठीक है, फार्म हाउस भी है। अच्छा फार्म हाउस भी है आपका? हाँ जी। चलो बढ़िया है, फार्म हाउस पे भी लोग घूम सकते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है यार, बढ़िया एकदम, मज़ा आ गया। ऐसी राजा जैसी फीलिंग आ रही है भाई थोड़ी थोड़ी। लेकिन डर भी लग रहा है। तो क्या गाड़ी के ऊपर उतरना है क्या? नहीं नहीं घुमा रहा हूँ ना भाई। कैसे उतरू भाई? उतर जाओ, चढ़े कैसे थे वैसे, उतर जाओ आराम से। ये हिलेगा डुलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। इसको क्या पकड़ू? अमेजिंग था यार, मस्त एकदम। अब बताओ आप। इसका नाम है राधा भाई। हाँ। और ये मंगल सिंह से लेकर आया जालौर से। हाँ। और रवाल चलती है, चालवास घोड़ी है, अलीजा घोड़े से सुबर है, 6 महीना बच्चा है इसके पेट के मैंने। अच्छा। और अच्छी रवाल चलती है भाई। अच्छा। मेरा नाम इमरान खान है। हाँ। कोई अच्छा घोड़ा चाहिए तो मेरे को बताना है। आप अपना नंबर बता दो। 7357008093। ठीक है, तो फाइनली हमने घुड़सवारी यहाँ पे कर ली है। इस वाले ब्लॉग को यार यहीं पे एंड करते हैं, बाकी की चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे यूट्यूब की दुकान से, और घोड़ों के लिए इमरान भाई को संपर्क करो ज़रूर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।